जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जिससे जैसे खीरा संतरा ये शरीर से विषाक्त पदार्थ को बाहर निकाल खिलाए तो ही बेहतर है। ऐसे में दलिया, खिचड़ी या उबले के आसपास जमा पानी से छुटकारा पाना। इसके अलावा रुके हुए पानी में स्थानीय निगम निगम कर्मियों या मलेरिया विभाग द्वारा दवाएं छिड़कवाना। मछली के जानलेवा हो सकता है मलेरिया, जानलेवा हो सकता है मलेरिया। मछली से परिवार की करो सुरक्षा, मलेरिया को जल्द मिलाओ। मलेरिया से अपने परिवार को बचाओ, मलेरिया से अपने परिवार को बचाओ। जागरूक बनो और मच्छरदानी अपनाओ, जागरूक बनो और मच्छरदानी अपनाओ। बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाए, बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाए। कहीं मलेरिया बुखार न हो जाए, कहीं मलेरिया बुखार न हो जाए। धन्यवाद, जय हिंद। इन्होंने ब्रीफ करके आपको हिंदी में जो है सारी मालूम की है, क्योंकि मलेरिया जो है ये एक अलमनाक बीमारी है, खतरनाक बीमारी है, और इसके बचाव के लिए हमें प्रिकॉशन जो है हमें हर वक्त जो है इसके लिए होशियार रहना है। अपने घर को साफ रखना है, अपनी गलियां जो हैं साफ रखनी है, अपनी नालियां साफ रखनी है। पानी कहीं खड़ा नहीं होना चाहिए, गमलों में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। घर के नज़दीक तालाब नहीं बनाने हैं, जिन तालाब में जो है पानी वहाँ खड़ा रहे। इन चीज़ों से बचना, और उसके साथ साथ अपने घर को जो नेट जालियाँ जो हैं वो लगाना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ जो है छोटे बच्चों को जो है वो मच्छरदानी जो हम घर में लगाते हैं उसके बीच में रखना बहुत ज़रूरी है। इसका जो है पहलू यही है कि पहले हम अपने आप को बचाएं। इलाज तो दूसरी बात है, लेकिन हेल्थ एजुकेशन जो है अवेयरनेस यही है कि हम एक दूसरे को इस चीज़ से बचाने के लिए पर्सन टू पर्सन हमारा फोकस ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। हमारा गांव-गांव में जाके खासकर हमारे एनएमटी स्कूल के बच्चे जो यहाँ हैं इस वक्त, ये बच्चे अगर यहाँ 30 बच्चे बैठे हैं तो ये 3000 बंदों तक जो है ये पैगाम पहुँचा सकते हैं। एक गांव से अगर एक बच्चा हमारे पास आता है तो वो ज़रूर जो है 50 लोगों के साथ जो है बात करेंगे जाके, और वो 50 आदमी जो है आगे जो है 500 आदमी के साथ जो है इसके बारे में। हेल्थ एजुकेशन ज़रूरी है, अपने आप को बचाना इससे ज़रूरी है। उसके बाद इलाज जो है वो तो ये दूसरे नंबर पर है कि जब आदमी इन्वॉल्व हो गया इसमें तो उसको जो है किस हद तक अपने आप को जो है इस परेशानी से, इस बीमारी से जो है अपने आप को निजात दिलानी है। सो बहुत अच्छा टॉपिक था इनका जो आपके सामने इन्होंने रखा है। ये डॉक्टर तीनों का जो है हो चुका है, साथ में DIO साहब हमारे डॉक्टर देशराज जी। 75 मिलियन केसेस थे, 75 मिलियन केसेस थे। तो इसको नज़र में देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि इसके लिए कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनाया जाए, कोई प्रोग्राम बनाया जाए ताकि हम इसको कंट्रोल कर सके। मेन एम हमारा था कि सबसे पहले कि हमें इसकी ट्रांसमिशन रोकनी है। ट्रांसमिशन ये जो मच्छर काटता है, फीमेल एनोफिलीज किसी पेशेंट को काटती है तो फिर वो वहां से खून खींच के दूसरे मरीज हेल्दी सब्जेक्ट को काटती है, उसको भी मलेरिया हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। मेन एम था हमारा पहले ट्रांसमिशन को रोकना। दूसरा, जब इसके कारण डेथ होने लगी तो फिर हमने देखा कि जो डिजीज पेशेंट में डिजीज होती है उनका जो बर्डन होता है उसको हम बोलते हैं बीमारी को मॉर्बिडिटी। जितने ज्यादा लोग बीमार होते हैं उसको रिड्यूस करने का हमारा एम था। आज वर्ल्ड मलेरिया डे है और इस मलेरिया डे पे हम इसकी ये ऑल ओवर वर्ल्ड ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है, और उसी तरह अरजोरी में भी हम ये वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसमें यह है कि इस अप्रैल से यूजली जो मलेरिया डिजीज़ जो है इसका सीज़न जो है शुरू हो जाता है, तो इसकी एक तो इंसान को मलेरिया हो जाता है तो उसके बाद वो ट्रीटमेंट लेता है, लेकिन एक कुछ इसके प्रिवेंटिंग एस्पेक्ट होते हैं।
तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने रजौरी में अपना जितना भी मलेरिया का जो स्टाफ है वो सारी मशीनरी जो है वो गियर अप की है। हमने लोगों के बीच में इस तरह की जो एजुकेशन अवेयरनेस जो है लोगों को देनी है ताकि मलेरिया जो है वो उसकी रोकथाम में लोगों का भी हमें कोऑर्डिनेशन मिले। हमारी जो स्टाफ के लोग हैं वो उन्होंने जितने भी रजौरी डिस्ट्रिक्ट में वो तालाब हैं उनमें एक गंबुजिया नाम की एक फिश होती है वो हमने सभी तालाब में रखी है जो कि मलेरिया के लार्वा जो है उसको खाती है और इससे हमारा जो मलेरिया जो है वो उसको फैलने से रोकती है। इसके अलावा भी हमारी लोगों से भी ये अपील है कि अपने घर के आसपास कहीं भी कोई पानी के गड्ढे हैं उनमें पानी ना खड़ा होने दें। कई जगह पे कोई गमलों में या फूलदान में जहाँ कुछ लोगों ने ऊपर बर्तन लगाए होते हैं पक्षियों को पानी डालने में, उसमें ज़्यादा देर तक जो पानी जो है वो उसको जो है खड़ा ना रहने दें, उस पानी को बीच बीच में बदलते रहें ताकि उसमें मलेरिया का लार्वा पैदा ना हो। और इसके अलावा जो भी मच्छर से बचने के लिए वो अपने एक जालीदार कमरे में सोए और जाली का इस्तेमाल करें और अपने घर के आसपास अगर किसी जगह पे पानी खड़ा है नाली में जब कुछ अगर हो सके तो उसमें यूजली एक कैरोसिन ऑयल की अगर दो चार बूंदें भी वो खुद अपने घर के आसपास डाल दें तो उससे भी उनके आसपास जो है वो मच्छर जो है वो पैदा नहीं होता है। और ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मैं यही कहूँगा कि बीमारी को फैलने से पहले ही अगर उसको रोका जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर भी अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है तो वो अपना नज़दीकी जो भी उनका प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ जाके वहाँ से डॉक्टर से रास्ता कायम करें, अपने खून की जांच करवाएं और अगर मलेरिया का निकलता है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। और बाकी यह है कि ज़्यादा ये है कि अगर कोई आदमी किसी जगह पे बीमार हो जाता है और इसके लक्षण उसमें आने शुरू हो जाते हैं तो जब तक वो डॉक्टर तक नहीं पहुंचता अपने लेवल पे उसको बुखार को बढ़ने मत दें। घर में जल पानी जो होता है वो सब जगह होता है, बुखार की वो पट्टी पानी की जो है कपड़ा रुमाल या गीला करके तो उसके माथे पर या पेट पर रखें और उसके बाद नज़दीकी केंद्र में जाके वहाँ पर उसका प्रॉपर एक जो ट्रीटमेंट है अपना खून की जाँच करवा के